देखो, ग्रेविटेशन जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली चीज जो हमको पढ़नी है वो क्या पढ़नी है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. क्या पढ़ना है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट. हर एक ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है. कैसे अट्रैक्ट करता है? एक फोर्स से. कैसे अट्रैक्ट करता है? एक फोर्स से. ठीक है, अट्रैक्ट तो फोर्स से ही करेगा. ये जो फोर्स रहता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मासेस के प्रोडक्ट्स. किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? उनके मासेस के प्रोडक्ट्स. यानी कि अगर M1 M2 को अट्रैक्ट कर रहा है और M2 M1 को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? एक फोर्स से. ठीक है ना? कौन से फोर्स से? ग्रेविटेशनल फोर्स से. और ये फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? इनके मासेस के प्रोडक्ट से, यानी कि M1 into M2. एंड इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. मतलब क्या होता है कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? डी. ठीक है, तो अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस होगा 2 मीटर का, दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? दो. तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 4. और 4 का इनवर्स कितना होता है? 1/4. तो अगर डिस्टेंस आप 2 टाइम्स कर दोगे तो फोर्स कितना हो जाएगा? 1/4 टाइम्स. तो इनवर्स रिलेशन मतलब क्या होता है? डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम. और डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? ज्यादा. ठीक है ना? तो मैंने जो इक्वेशन लिखी वो क्या है कि एफ जो है वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल है किसके? मासेस के प्रोडक्ट के, यानी कि M1 into M2 के. और इनवर्सली प्रपोर्शनल है किसके? डिस्टेंस के स्क्वायर के. जब हम लोग ये प्रोपोर्शनिटी का साइन हटाते हैं, जब हम लोग ये वाला प्रोपोर्शनिटी का साइन हटाते हैं, तो इसकी जगह क्या लगता है? इक्वल टू का साइन. किसका साइन लगता है? इक्वल टू का. और साथ में एक कांस्टेंट लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल जी. साथ में एक कांस्टेंट लगता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल जी. कैपिटल जी का नाम होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. कैपिटल जी का नाम क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ठीक है, जिसका वैल्यू कितना होता है? 6.67 × 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. कितनी वैल्यू होती है इसकी? 6.67 × 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. है ना? सेंट्रिपेटल फोर्स क्या होता है? जब एक ऑब्जेक्ट क्या होता है किसी सर्कुलर मोशन में चलता है, तो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या होता है? सेंट्रिपेटल फोर्स. क्या होता है? कहानी कुछ ऐसी रहती है कि सपोज आयुष जो है, इसने क्या करके रखा है? एक रस्सी पे पत्थर बांध दिया है, या एक रस्सी पे क्या कर दिया है? बॉल बांध दिया है. अब आयुष क्या कर रहा है? उस बॉल को ऐसे राउंड एंड राउंड एंड राउंड घुमा रहा है. ठीक है ना? हाँ, समझ गया. तू करके मत दिखा. ठीक है, तो आयुष बेसिकली क्या है? यहाँ खड़ा हुआ है. और इसने क्या करा? एक रस्सी ली, ये आयुष की रस्सी है, और इस पे ये क्या कर रहा है? ऐसे पत्थर घुमा रहा है ऐसा. अरे बात समझ में? तो इस रस्सी की वजह से जो पत्थर है या जो बॉल है वो सर्कुलर पाथ ट्रैवल कर रही है. जिस दिन किसी बुरे इंसान ने, जैसे कि जीन है, ये रस्सी काट दी यहाँ से, तो ये पत्थर कैसा चला जाएगा? इस तरीके से सीधा चल जाएगा. ठीक है ना? टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्ट्रेट चला जाएगा. तो सेंटर की तरफ लगने वाला वो फोर्स जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट क्या करता है? सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करता है, उस फोर्स को मैं क्या कहती हूँ? सेंट्रिपेटल फोर्स कहती हूँ. आई बात समझ में? व्हाट इज सेंट्रिपेटल फोर्स? इट इज द फोर्स दैट कीप्स एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन. इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी एक्सिलरेशन. इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी एक्सिलरेशन टू कीप दैट ऑब्जेक्ट, टू कीप दैट ऑब्जेक्ट इन सर्क्यूलर मोशन. आया समझ में? ठीक है, तो इस तरह की फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रिपेटल फोर्स. एग्जाम में सेंट्रिपेटल फोर्स की डिफाइन भी आती है. ठीक है, तो ये तुमको आना चाहिए. ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ
ग्रेविटेशन, ठीक है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें चार चीजें समझाता है, कितनी चीजें समझाता है, चार। पहली बात, अर्थ पे हर चीज टिकी हुई, जैसे टेबल हवा में नहीं उड़ रही है, मैं हवा में नहीं उड़ रही हूँ, अरे बात समझ में। तो ये जो फोर्स है जो हमको क्या करता है, अर्थ से बाइंड करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो किससे समझ में आता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। मून अर्थ के आसपास जो रिवॉल्व कर रहा है वो कैसे समझ में आता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ जी ग्रेविटेशन। ठीक है, जो प्लैनेट सन के अराउंड आसपास घूम रहे हैं वो भी कहाँ समझ में आता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और जो टाइड्स आते हैं सन और मून के, ग्रेविटेशन फोर्स है, तो वो भी कौन समझाता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इज दैट क्लियर, कि सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उससे कौन से टाइड्स आएंगे, मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उससे कौन से टाइड्स आएंगे, क्लियर है। देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने भी लिखा, क्या लिखा, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। तो न्यूटन अंकल ने भी बोला था क्या, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि अगर पेन कॉपी को अट्रैक्ट कर रही है तो कॉपी को भी पेन को अट्रैक्ट करना चाहिए, हाँ यानी कि अगर अर्थ एक बॉल को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ तो बॉल को भी क्या करना चाहिए, अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए। बट ऐसा क्यों होता है कि हमको बॉल तो अर्थ की तरफ मूव करती हुई दिखती है, लेकिन अर्थ बॉल के पास नहीं जाती, अर्थ घमंडी है, बोलती है मैं तो नहीं आऊंगी बॉल के पास, ऐसा है क्या। मास ज्यादा है तो क्या फोर्स कम है, मास ज्यादा है तो फोर्स क्या है, कम, ऐसा है क्या, नहीं। क्यों नहीं है ऐसा, ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन की बात हो रही है, यानी कि जितना फोर्स अर्थ बॉल पे लगाएगी उतना ही फोर्स बॉल भी अर्थ पे लगाएगी, यानी कि फोर्स तो इक्वल है। तो फिर क्या फर्क पड़ जाता है, तो हमने क्योंकि कहा, अर्थ का वेट काफी ज्यादा है तो जाती है लेकिन दिखता नहीं है। हम लोग लिखेंगे कि अर्थ का मास ज्यादा होता है तो उसका एक्सिलरेशन क्या होता है, कम होता है। अर्थ का मास क्या होता है, ज्यादा होता है तो उसका एक्सिलरेशन क्या होता है, कम। क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है तो उसका एक्सिलरेशन कम है, तो जितना फोर्स बॉल अर्थ पे लगाएगी उतना ही फोर्स अर्थ भी बॉल पे लगाएगी, लेकिन क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है तो उसका एक्सिलरेशन क्या रहेगा, कम, और बॉल का मास कम है तो उसका एक्सिलरेशन क्या रहेगा, ज्यादा। इसीलिए हमको बॉल अर्थ की तरफ आते हुए दिखती दिखती है लेकिन अर्थ बॉल की तरफ जाते हुए नहीं नहीं दिखती। दिखती है। इज दैट क्लियर, बोलो हाँ कोई परेशानी, नहीं ये क्वेश्चन लिख लो फटाफट, जल्दी लिखना है, 1 मिनट में।